नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज मेरे साथ न्यूज क्लिक के दर्शक को मैं बताना चाहता हूं, मेरा साथ राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता अध्यापक मनोज झा, राज्यसभा सांसद भी है और दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग सोशल वर्क डिपार्टमेंट में अध्यापक है। धन्यवाद मनोज जी, आपका समय आपने दिया। नमस्कार सर। बिहार में लगभग 5,200 ये जो कोविड केसेस है ना, ये कंफर्म केसेस है, मगर सिर्फ 31 लोगों का मौत हुआ अभी तक, जो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल का और बिहार विधानसभा में जो विरोधी दल का नेता है तेजस्वी यादव जी, आप जैसे, राबड़ी देवी जैसे नेताएं हैं, इस वक्त नीतीश कुमार के सरकार का सख्त आप आलोचना कर, इस समय करना चाहिए? अभी भी चुनाव तो अभी बाकी है, कुछ महीना बाकी है, इस समय आप वो जो राजनीति भूल के लोगों को एक साथ मिलके मदद करना चाहिए ना। पुनर्जिता, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूं। 24 मार्च को जब लॉकडाउन पहला अनाउंस किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको मैं आग्रह करूंगा आपके दर्शकों से कि 24 मार्च से लेकर के मई के आखिरी हफ्ते तक एक भी संदर्भ दिखा दिया जाए जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने या भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी ने या हमारे दल के किसी नेता ने और कार्यकर्ता ने आलोचना के कोई स्वर बोले। माफी के साथ सर ये भी कहूंगा कि हम सब ओवरवेल्म्ड हो गए थे, खास करके जब पहले लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए कोई बात नहीं हुई, और जब वो छवियां हमने देखी लोक जीवन में, जहां हवाई चप्पल के बदले बिस्लरी के पानी की बॉटल बांध करके पांव में एक महिला चल रही थी, ट्रैक पे लोग मर रहे थे, सड़कों पे मर रहे थे, हमने एक शब्द आलोचना के नहीं बोले। अब आते हैं जब प्रवासी मजदूरों का प्रणंजदा जब बिहार आना शुरू हुआ, क्यों बोलना पड़ा हमें? पहली बात कि प्रवासी मजदूरों को लाने में आनाकानी करते रहे मुख्यमंत्री जी, ही वॉज द लास्ट वन हु शेड हिज रिलक्टेंस अंडर प्रेशर फ्रॉम अस। यू नो व्हाई? पूरे देश में जो प्रवासी मजदूर थे वो घर वापसी चाहते थे, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं स्टे होम एंड स्टे सेफ, इट इज नॉट ओनली एन अपर मिडिल क्लास प्रोपोजिशन। उन प्रवासी मजदूरों का जो गुड़गांव में एक 10x10 के कमरे में 20 लोग रहते थे, उनका भी एक घर है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, वहां से ये शुरुआत होती है जिसको आप आलोचना कह रहे थे। हमने आलोचना नहीं की, हमने हर जगह मदद की पेशकश की। क्या मजबूरियां हैं नीतीश जी की, मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा मानना है कि अगर इस वक्त अगर हमने सवाल नहीं खड़े किए होते, आज भी आप कह रहे हैं कि डेथ उतने कम है, मैं चाहता हूं सरकार ही सही हो, हम गलत हूं, लेकिन आपको पर मिलियन कितने टेस्ट हो रहे हैं बिहार में, इज द लोएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट। जो अराइवल पॉइंट है वहां भी जांच नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार ही सच हो, लेकिन हम एक ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं, और उस ज्वालामुखी का अंदाजा अब मैं समझता हूं कि शायद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की टीम को नहीं है। इसलिए हमारी आलोचना में सलाह के स्वर है, और सिर्फ आलोचना आलोचना के लिए नहीं। अच्छा मनोज जी, आप जैसे कह रहे थे, हाँ ठीक है, राबड़ी देवी जी, तनवीर हसन जी, आप लोग, हाँ आलोचना किया नीतीश कुमार सरकार के, मगर एक समय हम ये भी सुना तेजस्वी जी को, आपने आलोचना किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले, साधारण लोगों से बातचीत नहीं किया। फिर तेजस्वी जी ने बोला ठीक है, उनको तो सुरक्षा का जरूरत है, रहना चाहिए घर के अंदर। फिर भी मेरा कहना और कुछ है, ठीक है जो भी हुआ अभी हो गया, ये जो प्रवासी मजदूर का बात आपने उठाया, हमने ये भी ऐसा रिपोर्ट पढ़ा कि मई का एंड में लोगों ट्रेन का चेन खींच के उतर रहे थे क्योंकि वो क्वारंटाइन नहीं चाह रहे थे। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में अलग अलग, पूर्व भारत में बहुत सारे राज्य हैं जहां से प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, शायद सबसे ज्यादा लोग बिहार से
बिहार का और अलग अलग राज्य से जाते। तो ये प्रवासी मजदूरों का जो समस्या है, उनका रोजगार का, उनका जीविका, उनका खाद्यान्न का, ये शायद सबसे बड़ा समस्या आज बिहार में है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय, क्या कि 15 दिन के अंदर जितने लोग घर वापस जाने चाहते हैं, भारत सरकार उसके लिए आयोजन करना चाहिए, मुफ्त में खाना चाहिए, मगर एक बार वो बिहार पहुंच जाते हैं क्या होगा, उनका क्या स्थिति होगा, उनका खाद्यान्न मिलेगा, उनका रोजगार मिलेगा, उनका जीविका के बारे में सरकार क्या कर रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोरोना कंसेंसस एक फिक्शनल नैरेटिव रहा, जिसके कारण दुनिया के अलग अलग देशों में, सिर्फ अपने देश की बात नहीं करता हूँ, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी साइलेंस किए और हम चुप रहे, हम उस कंसेंसस के तहत। अब देखिए कि क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाने के कारण, जो आपने पहला कहा कि लोग चेन खींच करके उतर रहे थे, ट्रेनों के अंदर क्या बुनियादी सुविधाएं थी? अगर बुनियादी सुविधाएं होती तो ट्रेनों में लोग मरते नहीं। ट्रेनों के नंबर्स को लेकर के गलत आंकड़े दिए गए, ट्रेन के फेयर को लेकर के गलत आंकड़े दिए गए, इन सब चीजों पर हमने सिवाय एक आध बार सवाल करके कभी कभी वो नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, नेता प्रतिपक्ष ने और मैंने स्वयं अपोजिशन की मीटिंग में, हम दोनों साथ थे, उन्होंने ये प्रपोज किया और हम सब लोग सेकंड किए कि अभी फौरी तौर पर मनरेगा मैंडेट को आप बढ़ाइए, 200 दिन ले जाइए और मनरेगा के वेजेस में सब्सटेंशियल इन्हांसमेंट करिए। ये डुएबल है प्रणंजना, डुएबल इसलिए है, आज मैं समझता हूँ एक अलग फोरम पे एक बड़े इकोनॉमिस्ट से बात हो रही है जो सरकार में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि आप दो चीज एक साथ कर सकते हैं, अगर आप कैश ट्रांसफर करें, ये मनरेगा के अलावा कर रहा हूं कह रहा हूं, कैश ट्रांसफर करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी, कंजम्पशन डिमांड सप्लाई का जो एक पूरा का पूरा चेन है वो रिवाइव करेगा, और दूसरा खास तौर पे ये जो लोग जब बिहार पहुंचे हैं उनकी मदद मिलेगी। अब ये मैं क्वारंटाइन सेंटर पे फाइनली एक बार और आता, बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में 5 से 6 मौतें हुई हैं सांप काटने से। क्वारंटाइन सेंटर में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर इन मेनी वेज इन बिहार, मोर ऑफन देन नॉट यू कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड टॉर्चर सेंटर। तो एक मैं समझता हूं कि कलेक्टिव फेलियर भी रहा। लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था पहला, लॉकडाउन इज नेवर मेंट टू बी अ वैक्सीन और अ मेडिसिन, लॉकडाउन वॉज अ काइंड ऑफ कुशन यू वेर बाइंग, यू वेर क्रिएटिंग टू वर्क ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक श्योर दैट फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट दे गेट एम्पावर्ड। You didn't do that. आपने उसको एक रिचुअल की तरह लिया लॉकडाउन को। नतीजे में जो परिस्थितियां आज बिहार में है, आपको मैं बताऊं, मेरे जिले के कई डॉक्टर्स वो गमछा बांध करके इलाज कर रहे हैं क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजें भी उपलब्ध नहीं। मनोज जी, आप जैसे कहा क्वारंटाइन सेंटर में ठीक है मान लिया, एक टॉर्चर चेम्बर, एक अत्याचार का एक एक, एक केंद्र बन गया, मगर अप्रैल में, अप्रैल महीना का खत्म होने वाले थे उस समय, तेजस्वी जी ने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल का नेता, जो अभी इस वक्त राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची में है, कि उनको कोविड आक्रांत होने का एक संभावना है, क्योंकि उसी वार्ड में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। तो आप क्या लग रहा है, अगर क्वारंटाइन सेंटर में यही स्थिति है तो ये सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो अस्पताल है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें क्या राजनीति आपने ले आया, कि आप समझते हैं कि इसमें राजनीति है कि लालू जी के साथ ठीक तरह से उनका इलाज नहीं होगा या देखभाल नहीं होगा? प्रणंजता, मैं फिर से एक बार कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखिए। फर्स्ट लॉकडाउन के ठीक बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल्स को या जेल लाइक कंडीशन को, अगर आपको लग रहा है कि कोविड के स्प्रेड का ये नेचर है, तो उनको कई जगह लोग छोड़े गए। और लालू जी का अगर पूरा देख लीजिए, जो पूरी जुडिशियल प्रोसेस का है, ही हैज ऑलवेज कोऑपरेटेड। अगर आप उनको हेल्थ ग्राउंड्स पर भेजते, अपने घर में रहते, आइसोलेशन में रहते, अगर इस तरह की संभावना होती, लेकिन आपने नहीं किया।
अब जब आप कोविड के स्प्रेड करने चाहते हैं, असिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, तो क्या तेजस्वी जी का ये कहना कि उनको वहां से मुक्ति दी जाए, छुट्टी दी जाए, क्या ये गलत था, क्या ये राजनीति थी? एक मिनट मनोज जी, बार बार तेजस्वी जी ने कह रहे हैं कि लालू जी को पैरोल में दे दीजिए, एक तरह से कारागार से शाश्वत अवकाश दे दीजिए। आज ने ये केस बहुत साल से चल रहे हैं, हमें जितना याद है 1995 से ये केस चल रहे हैं, 950 करोड़ का चारा घोटाला का केस, इसके बहुत सारे हिस्सा है, और पहला बार लालू जी को अपराधी घोषित किया गया। ही वॉज कन्विक्टेड एक विशेष सीबीआई कोर्ट रांची में, वो 2013 में, उस समय उनको अपराधी ठहराया हुआ, और ये 2013 में मोदी जी आने के पहले ही ये सब हुई थी। तो आप क्यों बार बार कह रहे हैं इसमें राजनीतिक बदलाव की बात है? व्हाई इज इट कॉल्ड पॉलिटिकल वेंडेटा? आप आज भी ऐसे क्यों कह रहे हैं? एक बात मैं आपसे कहूं, अभी हाल में पेंडेमिक के दौरान एक मैंने फिल्म देखी जेट, और मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक भी वो फिल्म देखे, कोस्टा ग्रबास की फिल्म है। एक लोअर कोर्ट के डिसीजन और क्या दबाव रहता है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज हम जुडिशियल प्रोसेस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक सीबीआई की कोर्ट ने डिसीजन दिया, एंड दिस वोंट बी द फर्स्ट इंस्टेंस if things go up to the higher level, this won't be the first instance when the highest court of the land or the higher courts of the land turn it upside down. That is number one. Number two, what worries me, jo mujhe chinta ka vishay hai, ki ek vyakti jo aapke sath cooperate kar raha hai, har tarikh pe upasthit ho raha hai, jisne kabhi koi condition define nahi kiya hai, aap usko, main badle ki baat isliye keh raha hu ki aapne alag alag mukadmon par क्या फैसला लिया, क्या पोजीशन लिया और इसमें क्या लिया, ये सबको पता है। ये मामला 77 से चल रहा था, पर नंदी जी आज अगर आप इस घोटाले पे बात करते तो मैं उसी पर करता। 77 से ही इज द पर्सन हु एक्चुअली अलाउड एफआईआर। नाउ आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस दैट द पर्सन who lodges the first FIR in this case, which was going on much before he came into active politics, he becomes a victim. Now, I believe, इसमें अगर मैं बाकी चीज को छोड़ भी दूं, तो मेरे मन में तो एक बात साफ होती है कि your background, your political potential, your ability to mobilize works as a kind of threat to your adversaries. Because they can't fight you politically, they'll use all legal means, legal instruments to keep you where you are. अच्छा मनोज जी, थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक तरह से वर्चुअल रैली किया इतवार के दिन 7 जून, और इस समय सारे जो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या क्या किया, और एक तरह से हमें अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी का भाषणों से लगता है कि फिर एक तरह से एक लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग 53% वोट मिला और महागठबंधन को 30% मिला। तो अगर यही जो ट्रेंड है यही चलेगा, तो आपका जैसे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का कोई तो संभावना नहीं है आगे बढ़ने का। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, ये राजनीति अभी भी समय है, अक्टूबर महीना में आपका विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये चुनाव में क्या मुद्दा होगा? तेजस्वी जी ने मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम केस में ये तो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर में 2018 में सबको बुलाया, जिसमें राहुल गांधी थे, अरविंद केजरीवाल थे, बहुत सारे। मेरा सवाल है कि क्या मुद्दा है इस वक्त? राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, पटना के सड़क में आप थाली, स्टेनलेस स्टील थाली में आप क्या कहते हैं, चम्मच में आप शोर मचा रहे हैं, मगर मुद्दा क्या है? ये आपका रणनीति क्या होगा ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं? सबसे पहले बताऊं, आज से 3 महीने पहले there was nobody talking about the revival of Democratic Party in US elections.
लेकिन तीन महीने में हालात बदल गए. जॉय बाइडन ही इज गिविंग टफ टाइम टू डोनाल्ड ट्रंप. सो अभी तो कई महीने हैं. इनफैक्ट एज इट इज सेड अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स. वो 53 और 30 का आंकड़ा मैं समझता हूँ रिवर्स हो सकता है और होने की संभावना है. नंबर वन. नंबर दो, ये ताली थाली वाली बात जो आपने कही ना प्रणंजना, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी का ये कॉपीराइट नहीं है. ये जयप्रकाश आंदोलन में जेपी ने ये आइडिया दिया था और संदेश और संवाद पहुंचाने के लिए. लेकिन ये पोस्ट ट्रुथ दौर है, कोई किसी की लिखी पर अपना नाम छाप दे और कहे ये मेरा आइडिया है. अब तीसरी बात आते हैं कि मुद्दे क्या होंगे. अमित शाह जी ने खुद मुद्दे दे दिए हैं. अमित शाह जी ने पहली बात तो मैं उनको एक फ्लैग बेयरर मानता हूं कि अल्टरनेटिव फैक्ट्स के और पोस्ट ट्रुथ के. अब वो कई बातें कह गए. उन्होंने ये कह दिया कि मगध साम्राज्य में लोकतंत्र का जन्म हुआ था. हमने करेक्ट किया कि लिखी हुई किंगडम थी. उन्होंने कह दिया कि विपक्ष कहाँ था. साहब सरकार में आप हैं. विपक्ष अगर कोई ट्विटर और फेसबुक देखे तो विपक्ष ने ज्यादा सहयोग किया उन प्रवासी मजदूरों का. तीसरी चीज, अमित शाह जी ने कई तंज भी किए जो कि बहुत कई अशोभनीय तंज है, 370 वगैरह का. तो मैं बताना नहीं चाहता, खुद अमित शाह जी देख लें कि कश्मीर के हालात क्या हैं आज के दिन में, लद्दाख पे किस तरह से चीजें हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने पंच बनना स्वीकार कर लिया और पूरे देश को हम लोगों को कुछ नहीं मालूम. अब आते हैं कि मुद्दे बिहार में क्या होंगे. बिहार के मुद्दे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी नहीं तय करेंगे. बिहार के मुद्दे बिहार के लोगों ने तय कर दिए. सबसे पहला मुद्दा है कि प्रवासी बिहारी मजदूरों को जो सेंस ऑफ एलिनेशन हुआ है पूरे देश में, जिन शहरों को उन्होंने बनाया, जिन पुलिया का बनाया, अचानक वो शहर नजर फेर बैठे, अचानक वो सरकारें नजर फेर बैठी. नंबर वन ये मुद्दा होने जा रहा है. दूसरा मुद्दा होगा कि बिहार के लोग अब चाहते हैं हम दर दर नहीं भटके, हमारे यहाँ नियोजन क्यों नहीं हो सकता है. 15 वर्षों में क्या यह संभव नहीं था कि फूड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमारे पास अगर खनिज नहीं है तो हम इन चीजों पर काम कर सकते हैं. बिहार के लोगों के लिए ये मुद्दा होगा. बिहार के लिए लोगों के मुद्दा ये होगा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम ये महज एक एपिसोडिक घटना नहीं थी. इसके पीछे जो तंत्र था, जो इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर था, वो भी मुद्दा है बिहार के लोगों के लिए. और सबसे महत्वपूर्ण जो बिहार के लोगों के लिए है ना, जो तेजस्वी जी लगातार आप कह रहे हैं कि हमसे गलतियां कुछ हुई होंगी इसलिए तो हमें सत्ता से दूर रखा गया. लेकिन लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो जो बयार बही ना, आज नीतीश जी और बीजेपी का कैरेक्टर कुछ और होता अगर लालू जी सत्ता में 90 में नहीं आए होते. तो समय के दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समावेशी प्रगति ये मुद्दा होगा जो बिहार के लिए मिसिंग रहा है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं. अच्छा, आपको थोड़ा बहुत मैं ये याद दिला देता हूँ. जब अक्टूबर नवंबर 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे, मगर उसे उसके बाद नीतीश कुमार जी आपको खुद मालूम है 2015 में जब मुख्यमंत्री चुन के आए हैं, वो उनका 5 बार मेरा ख्याल है 6 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद में शपथ ग्रहण किया. ठीक है, वो तो इतिहास है. मगर जब जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक साथ थे, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल को विधानसभा चुनाव में 18.4% वोट मिला और जनता दल यूनाइटेड को लगभग 16.8% मिला. आप लोग को 80 विधायक और जनता दल यूनाइटेड को 71, और दोनों पार्टी ने 101 उम्मीदवार खड़े थे उस समय. उसके बाद आपको अब मैंने अभी अभी जैसा कहा, लोकसभा चुनाव में पूरा नतीजा बदल गया. एनडीए को 53% वोट मिला और महागठबंधन को 30%. फिर आपको तो पूरा याद है, पूरा कहानी. मई 2014 में नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी जी ने मुख्यमंत्री बना, क्योंकि उनका दुख था कि लोकसभा चुनाव में उनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस था और बोला मैं जिम्मेदार हूं. फिर वो फरवरी 2015 में वापस आ गए मुख्यमंत्री. फिर उन्होंने 2017 में इस्तीफा दिया. आपको याद है वो तेजस्वी जी का नाम आ गया सीबीआई का एक FIR में
और कुछ घंटों के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। तो नीतीश कुमार का इधर जाना उधर जाना, जो एक बार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे तो आपको मालूम है, मगर अगर जरूरत पड़ेगा दोबारा आपके साथ आ सकते हैं। अगर चुनाव का नतीजा ऐसा होता है कि कोई अभी भी संभावना है कि अभी भी राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी और जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ सकते हैं भविष्य में, इज देयर इवन अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि नहीं? सब कुछ तो चुनाव के नतीजे के ऊपर निर्भर करते हैं, मगर चुनाव के बाद डू यू रूल आउट ए पोस्ट पोल अलायंस? प्रणय जी, मैं पहली बात तो आपके नंबर्स को लेकर के एक बात कहूंगा। आपने कहा 18.1% जो 2015 का है, 16.1%, ये परसेंटेज डिराइव होता है नंबर ऑफ सीट्स से। अगर आप 2010 में देखें तो शायद हमारा इससे ज्यादा परसेंटेज था, तो वो नंबर ऑफ सीट्स से परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बस मैं ये एहतियात के लिए कहना चाह रहा था। दूसरी बात है कि पॉलिटिक्स, चुनाव के नतीजे हार जीत छोड़ दीजिए प्रणय, पॉलिटिक्स हैज टू बी ऑन सर्टेन आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स। बीजेपी की पूरी कोशिश हो रही है कि पूरे देश में वो अपने जैसे अपोनेंट का भी उगरने की कोशिश करें। ये मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि बीजेपी को विपक्ष भी आप जैसा चाहिए। आई डोंट एग्जैक्टली मीन आम आदमी पार्टी, लेकिन आप जैसा ही चाहिए कि मोर और लेस सिमिलर। हम उस नैरेटिव से बचना चाहते हैं, और चुनाव हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें आज भी जो बात हैरान करती है कि तेजस्वी जी के जिस इश्यू को, विच वॉज लार्जली फिक्शनल एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द लीगल कॉरिडोर और इन्वेस्टिगेशन, तो व्हाट वरीज मी दैट कैन एनीबडी गिव गारंटी दैट वन डे, इवन इफ वी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वी ज्वाइन हैंड्स, इज देयर एनी गारंटी ही विल नॉट गो बैक? Because I don't think anywhere in the world, मेरी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि a party which was defeated in election comes back to government through Nitesh ji in 2017 July. अब these are the issues which makes me feel that even if it is a hypothetical question, I'll say no. मनोज जी, लोग कहते हैं आज राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा जो कमियां है, इट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट्स बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, कि एक तरह से एक गृह युद्ध चल रहा है अंदर। सब लोग कहते हैं तेज प्रताप यादव जी, जो लालू जी के सबसे बड़ा बेटा है और उनके साथ तेजस्वी जी, दे आर नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अगर दुश्मन भी नहीं है, उनका दोस्ती के बारे में बहुत सारे सवाल लोगों ने उठाया। आप जानते हैं एक समय तेज प्रताप जी वो सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, पानी, पर्यावरण, जंगल इत्यादि इत्यादि, फिर उनके दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ 2019 लोकसभा चुनाव में, अलग अलग उम्मीदवार उन्होंने दिया और इसका नुकसान तो आरजेडी को ही मिला, राष्ट्रीय जनता दल को मिला। और सब लोग कहते हैं आप एक तरह से एक राष्ट्रीय जनता दल एक तरह एक परिवार का संपत्ति बन गया। लालू जी पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई किया, राम कृपाल यादव जी के खिलाफ उनको पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर गया, मगर तेज प्रताप यादव जी जो भी कह सकते हैं, वो परिवार के अंदर झगड़ा चल रहा है। इस विषय की भी आप कुछ कहिए कि सचमुच की राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार का संपत्ति बन गया, has it become a family dominated political party? जी जी, दो चीज प्रणय जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो लालू जी के परिवार और उनके बीच के differences की कहानी गढ़ी जाती है, मैं गढ़ी जाती इसलिए कह रहा हूं, that also shows the importance of the family of लालू प्रसाद यादव in Bihar's politics. So if you have nothing ideological or political counter, आप उसमें ढूंढेंगे। अब आपने कहा कि उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, उन्होंने एक दो जगह उनके हिसाब से वो उम्मीदवार एक चॉइस था, चुनाव आते आते लगभग विड्रॉ भी कर गए वो जो एक दो उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे। तीसरी चीज, मैं ये जो परिवार की बात है ना, ये पूरा साउथ एशिया को मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए
साउथ एशियन पॉलिटिक्स में ये फीचर कोई अलहदा नहीं है। अल्टीमेटली आपने भी मुझसे चुनाव पे सवाल पूछा, आप अमेरिका के बारे में कि ये बुश परिवार के बारे में भी आप कह सकते हैं बहुत सारे। मैं साउथ एशियन कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल जाने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ पॉलिटिक्स इज अबाउट इलेक्शन। आई मे नॉट गेट वोट, तेजस्वी यादव और लालू जी नेम इटसेल्फ गार्नर्स वोट एंड इट गार्नर्स वोट बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन। कम से कम एक 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 पूरी पॉलिटिक्स की ग्रामर बदली। इसलिए इसको मैं मानता हूं कि वंस यू विन इलेक्शन, इवन व्हेन यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली, यू गेट सैंक्शन। देयर हैव बीन फैमिलीज जिनके लोग खत्म हो गए, दे जस्ट वैनिश्ड बिकॉज पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट देम। चलिए मनोज जी, अभी समय बताएंगे कि सचमुच तेजस्वी जी लालू जी का एक उत्तराधिकारी सक्सेसर उत्तराधिकारी बन पाएंगे कि नहीं। 2014 में तो आप तो, और 2019 में भी लोकसभा चुनाव में आपका तो पार्टी को बहुत, उनका जो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। सब लोग कहते हैं नीतीश कुमार सुशासन के एक प्रतीक है, ही सिंबलाइजेस गुड गवर्नेंस, और लालू जी वो कुशासन का प्रतीक है। हम मान लिया लालू जी, राबड़ी देवी जी 15 साल राज किया बिहार में, उस समय जो जो कमजोर लोग थे, जो 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 ओबीसी थे, उनको उनको सशक्ति सशक्तिकरण कर पाया। उन्होंने उस समय कहा कि हाँ, लालू जी ने कहा हम सबको स्वर्ग तो नहीं दे देंगे मगर स्वर्ग तो दे देंगे, ठीक है। मगर आज माहौल बदल गया, आज ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, एक समय कहते हैं कुर्मी कोयरी यादव था, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जात तो बिहार का राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्या कहते हैं, एक प्रभाव है, ठीक है। आज लोग कहते हैं यादव लोगों का एक हिस्सा दलितों के खिलाफ है, ओबीसी का एक बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा अभी भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो एक छवि है कि एक भ्रष्ट पार्टी, अपराधियों का पार्टी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, ठीक है, उनको आपने हटा दिया, कोई बात नहीं। आप शहाबुद्दीन का बीबी हिना शहाब को टिकट मिल गया, 2019 लोकसभा चुनाव जब हुए थे राष्ट्रीय जनता दल का टिकट तो विभा देवी को मिला था, जिसका हस्बैंड उसको अपराधी कन्विक्टेड रेपिस्ट, और ये एक माइनर रेपिस्ट, उनको आप पार्टी से, राजवल्लभ यादव जी को सस्पेंड कर दिया। तो ये एक छवि है कि आप कुछ भी कहिए, लालू जी या राष्ट्रीय जनता दल इज ए पार्टी ऑफ क्रिमिनल, ये अपराधियों का एक राजनीतिक दल है। ये छवि अभी भी मीडिया में और लोक माध्यम के एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ये छवि आरजेडी के बारे में कहते हैं। आप जवाब दीजिए इसके बारे में। एक अद्भुत सवाल आपने पूछा, इस सवाल से मैं 24 घंटे सातों दिन झेलता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, छवि का प्रबंधन, इमेज मैनेजमेंट कौन कर रहा है? लालू जी ने तो कभी इमेज मैनेजर हायर नहीं किया। तो मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता था, अभी मैं इतना ही कह दूं कि जॉर्ज फ्लॉयड का जो मर्डर हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान में कई मीडिया हाउसेस, कई बड़े लोगों ने लिखा ब्लैक लाइव्स मैटर, डू दे हैव द गट्स टू पुट इट दलित लाइव्स मैटर, ओबीसी लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर, मार्जिनल कम्युनिटीज लाइव्स मैटर। एक खास वर्ग के हाथ में छवि प्रबंधन है। आपने जैसे खुद शुरू में कहा, मैं उस दौर में ग्रेजुएशन में पढ़ता था, मैंने बदलाव देखा जो बदलाव लालू जी लेके आए। मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने गांव, शहर, गलियां बदलते देखी हैं, उन जगहों पर जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कोई ओबीसी, ईबीसी या दलित बैठेगा, वहां उन्होंने बैठना ही नहीं शुरू किया, अपने अधिकार की बात करनी शुरू की। और उस समय जो पूरी इकोनॉमिक कंडीशन हिंदुस्तान की थी, हम सब जानते हैं बिहार वैसे भी पिछड़ा राज्य है, बिहार की पूरी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी बजट की क्या थी, अब सब इसको लोग सिर्फ एक बार निर्णय कर ले। हाँ, 2005 में जब नीतीश जी आए, हमें भूलना नहीं चाहिए तब तक लालू जी केंद्र में मंत्री थे, वेरी लिबरल एलोकेशंस वेयर मेड टू बिहार। तो ये जो कुशासन और सुशासन की बाइनरी है ना,
ये अपने आप में मोटिवेटेड बाइनरी है, और ये मोटिवेशन कहां से आता हम सब जान रहे हैं। लेकिन अभी तेजस्वी जी ने तो साफ स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि 15 साल में जो एक सोशल ऑब्लिगेशन मेरे पिता के कंधे पे था, ग्रामर चेंज करना उन्होंने किया, हमसे कुछ कमियां रही होंगी, आपने हमें सत्ता से बाहर किया, लेकिन अब जब हम आपके बीच में आ रहे हैं तो हम इकोनॉमिक जस्टिस का ब्लूप्रिंट लेके आ रहे हैं जो जाति और वर्ग की सीमाओं को ध्वस्त करेगा, और मैं समझता हूं कि इसी आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ओके, मेरा आखिरी सवाल मनोज जी, आपने बहुत आपका कीमती समय हमें दिया, मेरा आखिरी सवाल है कि हमें याद है कि नीतीश कुमार जी जैसे है लालू जी ऐसे नहीं है, लालू जी कभी किसी वक्त भी जो आप लोग कहते हैं सांप्रदायिक शक्ति के साथ कुछ भी समझौता कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम सब याद है 1990 में जब लाल कृष्ण अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, जो बाबरी मस्जिद का वो जो रथ यात्रा चल रहे थे उस वक्त। मगर ये जो बात है सांप्रदायिक शक्ति और जो कम्युनल फोर्सेस, जो सेक्युलर फोर्सेस, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, सचमुच या क्या बिहार में ये मुद्दा है या बिहार का मुद्दा पूरा जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था के ऊपर, लोगों का रोजगार के ऊपर, जीविका के ऊपर, ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं कि आने वाले 4 महीने में 5 महीने में आपका पार्टी का रणनीति क्या होगा विधानसभा चुनाव के पहले। देखिए, एक चीज तो मैंने पहले कहा कि हमारा एक ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने कुछ लोगों को निर्देश दिया है जिसमें कि हम एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान उस पर काम कर रहे हैं, और वो जोन वाइज होगा, हर जोन की क्षमता और उसकी स्पेशलिटी को देखते हुए। हम एजुकेशन को ओवरहॉल करना चाहते हैं, बहुत बुरे हालात हैं, आप किसी से भी भेज के दिखवा लीजिए। पुलिसिंग सिस्टम को रिवाइव करना चाहते हैं। हाँ, आपने जब कही सांप्रदायिकता की बात, बिहार को दोनों चाहिए, क्योंकि अगर आप कम्युनल पीस नहीं होगा राज्य में तो आप इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान भी नहीं कर पाएंगे। और मॉब लिंचिंग मेरे राज्य के लिए मैंने कभी नहीं सुना था, इस बीच में मॉब लिंचिंग की बहुत घटनाएं हुई मेरे राज्य में, और इससे आपको पता, इससे हम सबको पता चलता है कि बिहार को लालू जी ने उस वक्त जब देश के अलग अलग हिस्सों में आग लग रही थी, उन्होंने उस आग से बचा लिया था। आज भी उस आग से बचाना है, और तमाम समुदायों जातियों के बीच में एक समन्वयकारी रिश्ता कायम करके हम इकोनॉमी के ब्रॉडर प्लान पे काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार से गया प्रवासी मजदूर फिर कभी किसी महामारी के दौरान इसी तरह राज्यों द्वारा, शहरों द्वारा दुत्कारा जाए। ये हमारा एजेंडा होगा, इसी के साथ जाए। धन्यवाद मनोज जी, आपने आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, और आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक। नमस्कार, आदाब। Thank you.